केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, अपने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के सफर में आज हम सभी भगवान शिव के पांचवे सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो कथाएं प्रचलित हैं, एक जिसका प्रमाण महाभारत युद्ध के अंत में मिलता है, जब पांडु पुत्र अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपना राज्य भार त्याग कर हिमालय की यात्रा करने निकले थे। वो कथा हम अपने किसी और एपिसोड में देखेंगे। दूसरी कथा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलती है। हम अपने इस एपिसोड में शिव महापुराण में उल्लेखित इस कथा को सुनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पांचवे ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के दो ऋषियों के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, नर और नारायण ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की। इसकी पुष्टि खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में की है। नर और नारायण बद्री वन में अपनी बनाई पार्थिव शिवलिंग के सामने घोर तप किया करते थे। भगवान शिव जी उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए उनके बनाए पार्थिव लिंग में प्रतिदिन आया करते थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब वे नर व नारायण के सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं, तो लोक कल्याण के लिए आप स्वयं यहाँ लिंग रूप में निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाएं। उन दोनों भाइयों के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी शिव हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। नर और नारायण रूप में दोनों भाइयों ने बद्री वन में घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। आज उसी बद्री वन में बद्रीनाथ नामक मंदिर भी स्थित है और वहीं पर नर और नारायण नाम के दो पर्वत भी हैं। केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण भगवान शिव केदारेश्वर अथवा केदारनाथ कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं, परंतु यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और क्या आप इस रहस्य के बारे में पहले से जानते थे, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और इसी प्रकार की रहस्यमय और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले दर्शक हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।